शरपुर में हंगामे के बीच संपन्न हुआ नगरपालिका में शपथ ग्रहण समारोह। नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने ली पद की शपथ। शरपुर नगरपालिका चुनाव के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो जाने के बाद नगरपालिका शरपुर बाजार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां नगरपालिका में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहाँ शपथ ग्रहण से पूर्व ही कुर्सियों पर बैठने की बात को लेकर हंगामा हो गया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम का संचालन कर रहे गिरिराज पॉलीवाल आगंतुक अतिथियों का नाम पुकारते रहे, मगर मंच पर स्थान के अभाव के चलते आगंतुक अतिथि एक नहीं दो बार नाम पुकारे जाने के बाद भी आयोजन के पंडाल में ही बैठे दिखाई दिए। वहीं नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से चुनाव जीत का पार्षद बने कांग्रेस प्रत्याशियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में स्थान नहीं मिला, तो कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करते हुए जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, भाजपा मुर्दाबाद के भी जमकर नारे लगाए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समारोह से चले जाने के बाद अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग और उपाध्यक्ष संजय महाना ने अपने पद की शपथ लेते हुए कार्यभार ग्रहण किया। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बलराज सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट, भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण गुप्ता, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, भाजपा कार्यकर्ता समिति सदस्य महावीर सिंह ससोदिया, रामलखन नाप खेड़ली, विधायक सीताराम आदिवासी, भाजपा नेत्री श्रीमती मिथिलेश तोमर, भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज तोमर, नगरपालिका अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग, नगरपालिका उपाध्यक्ष संजय महाना, सीएमओ मधुसूदन श्रीवास्तव, भाजपा के पार्षदगण, नगरपालिका के कर्मचारीगण और नगरवासी उपस्थित रहे। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। नगर पालिका में नगर परिषद की जो है शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम था, जिसमें कांग्रेस के पार्षदों को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया गया, जिसको लेकर नाराज कांग्रेस पार्षद परिषद छोड़कर के वापस आ गए। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, श्योपुर नगर पालिका का जब चुनाव हो रहा था, जब जनता 10-10, 8-8 जो पार्षद के उम्मीदवार खड़े थे हर वार्ड के अंदर, 150 करीब उम्मीदवार पूरे शहर के अंदर खड़े थे, उसमें से 23 पार्षदों का चुनाव कर रही थी जनता, मंथन कर रही थी जनता दिमाग में किसको चुनना है, यानी कि जनता के मन में जब मंथन था कि पार्षदों का चुनने का, तो आज सम्मान देने का, जिस नगर पालिका के लिए उन्होंने चुन करके भेजा है, वहां पर सबसे बड़ा सम्मान किसी का होना था, किसी को सबसे अच्छा अगर बेहतर तरीके से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो होने थे नगर पालिका के जो माननीय पार्षद जो चुन करके गए हैं, जो पूर्व जनता जो जनार्दन है 56,000 उनने चुन करके भेजे हैं, उनका अपमान हुआ। ये पार्षदों का अपमान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के शिवराज शासन में, श्योपुर के जिला प्रशासन में और श्योपुर की नगर पालिका परिषद के सीएमओ के द्वारा आज श्योपुर की शहर की 56,000 जनता का जनार्दन का अपमान किया गया है, क्योंकि जो ये पार्षद चुन करके भेजे हैं, जनता ने चुन करके भेजे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जनता ने चुन करके इनके लिए सीट उपलब्ध कराई है, उसमें कि जनता की लड़ाई लड़े। हम तैयार थे, चुनाव हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धन बल से, प्रशासन ने बाहुबल से, पुलिस बल लगा करके, शिवराज के शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे पार्षद को चुराया, हमारे पार्षद को लेकर के उन्होंने यहाँ पर सामने खड़ा किया। हमारे पूरे ताकत से चुनाव चल रहा था, लेकिन आपने उस दिन देखा होगा किस तरह से पुलिस लगाई गई वहां पर 5 किलोमीटर दूर ले जाकर मतदान केंद्र, उसके बाद किस तरह से हथकंडे टेंडर बोर्ड पे अपनाए भारतीय जनता पार्टी ने, सारा षड्यंत्र भोपाल से लेकर दिल्ली तक चलता रहा, लेकिन जो चुनाव जीतने का वो कह रहे हैं वो छीना गया है। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण था, हम विपक्ष की भूमिका में थे, जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार थे, तो आज हमारा अपमान किया गया और भारतीय जनता पार्टी के उन तथाकथित नेताओं को आगे बिठाला गया जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, वहां आगे बैठने का इनका हक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने नतमस्तक है। ऐसे विकास होगा श्योपुर का? ये भ्रष्टाचारी लोग आज चढ़ करके आगे बैठ गए जाकर के, जिन्होंने पूरे शहर को पोला किया। हमारी मांग है और हम इसकी सीएमओ की शिकायत करेंगे, सीएमओ साहब की, यहाँ की, इनके यहाँ के जिम्मेदार थे, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे किससे? कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब की पहले हमने करी, चुनाव आयुक्त से कोई शिकायत की हमारे अभी तक कोई जानकारी नहीं आ रही हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई सुनने को तैयार नहीं है, पूरी तरह से पूरा सिस्टम कैप्चर कर रखा है उन लोगों ने, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इन्हीं बातों को लेकर के हमारे पार्षदों ने विरोध जताया, हमारे नेताओं ने विरोध जताया है, और आगे इसकी हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब क्या रणनीति रहेगी आपकी जब पार्षदों का
वहाँ बहिष्कार किया गया पार्षदों के साथ। हमारे आज विरोध का कारण ये है कि आज हमारा शपथ समारोह रखा गया नगर पालिका की तरफ से, तो हम लोग इस प्रोग्राम में आए थे, जबकि सीएमओ साहब की व्यवस्था पूरी फेल है। भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज चालू है, इनका काम करा है इन्होंने पार्षदों को। हम लोग भी जनप्रतिनिधि, जनता ने सुन के भेजा हमें नगर पालिका में, हम लोग अपने मन से यहाँ के नहीं बैठ गए, जनता ने हमें वोट दिया है, इसलिए आज बनाया कि हम नगर पालिका में बैठे, उनकी 5 साल तक लड़ाई लड़े। हम लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे जब हमारे आज कुर्सियां ही नहीं दे रहे हैं, महिला होके हम लोगों को पीछे बिठा रहे हैं, आगे पुरुषों को बिठा रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन के आए, उनको कुर्सियां मिलनी चाहिए थी। और भारतीय जनता पार्टी के पूरे जितने भी पदाधिकारी है वो सभी है हमारे कांग्रेस से, ना तो जिला अध्यक्ष जी को निमंत्रण दिया गया है, ना विधायक जी को दिया गया है, ना किसी पार्टी के लीडर को नहीं दिया गया है, और इसलिए हमारे कांग्रेस का अपमान हुआ। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और रोड में जाकर अपनी शपथ लेके और अपने पब्लिक का काम करेंगे। सोपुर जनता का भी बहुत घोर अपमान हुआ इसमें, लोग बुला के महिलाएं पास हमारे पास ज्यादा है, एक महिला के लिए एक कुर्सी पे 3 महिलाएं बिठा रहे हैं, जो उठाएंगे ना बाजार के वो 500 लोग की जगह पे बैठे हैं, 500 लोग कोई पूछा नहीं गया। बीजेपी के सारे नेता मंच पे अध्यक्ष के अगल बगल आसीन है, हमारा जिलाध्यक्ष हमारा विधायक इन्होंने नजारा कर रखा है, जिलाध्यक्ष बता रहा हूँ, विधायक प्रतिनिधि को कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं, कांग्रेस को कोई सम्मान नहीं है, ये बीजेपी की बॉडी नहीं है, ये अब बॉडी सरकारी है, ये नियम से चलेगी, कानून से चलेगी, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी।